हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के अभी 10:30-11 बजे का टाइम है और छत के ऊपर मैं आया हूँ। और सोच रहा था कि आज से मैं ब्लॉगिंग का चैनल जो है उसको डिसकंटिन्यू रखूँगा। डिसकंटिन्यू मीन्स इसमें अब शॉर्ट्स वीडियोस डालूँगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग फॉर्मेट में ये है, मैं तो या फिर कंटेंट नहीं निकाल पाता हूँ या फिर मैं वीडियो अच्छे से बना नहीं पाता हूँ। इसी वजह से मैं सोच रहा था कि इसको अभी पेंडिंग ही पॉज ही रखेंगे और इसमें शॉर्ट्स वीडियोस डालेंगे। इसी वजह से कल और परसों इसलिए वीडियो नहीं बना क्योंकि लाइट नहीं था। लाइट नहीं रहने की वजह से कल परसों वीडियो नहीं बना। और 2 दिन से इतना झमाझम बारिश हुआ कि कंटिन्यूसली एक दिन तो हुआ 2.5 घंटे बारिश, और सेकेंड वाले दिन में हुआ 7-8 बजे से बारिश होना स्टार्ट हुआ था, और उसमें भी हुआ था 3-4 घंटे, 2 घंटे से प्लस बारिश हुआ था उसमें। और अभी का वेदर भी वैसे ही क्लाउडी क्लाउडी है। आप लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा, दिन बन जाएगा आप लोगों का अभी, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देख लीजिए, आज का वेदर कुछ इस टाइप से देख लीजिए, इस टाइप से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आज का वेदर। और पूरा एकदम क्लियर हो गया, और मेरे घर के सामने आज का व्यू आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे घर के सामने का जो व्यू है वो नदी, छोटा सा नदी बन गया है। वो एकदम पूरा घुटने से ऊपर तक पानी बह रहा था कल। कल जितना जो बारिश हुआ कभी जिंदगी में वो ऐसा बारिश नहीं हुआ था। एक रफ्तार से जो मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर हाईएस्ट रिकॉर्ड इस बार बना था, जैसे 210-150 ऐसे कुछ था, मेरे को नॉलेज नहीं है। लेकिन जो बारिश हुआ था कल कंटिन्यूसली लगातार इतना ज़्यादा हो गया जिसे पूरा एकदम खेत वगैरह सारे के मेड़ जो होते हैं वो टूट के ये हो गए। उसमें खेत भी गया था तो खेत में मेड़ टूटा हुआ था मेरे एक जगह में, और पानी इतना था कि घुटने भर तक पानी था। और अभी मैं शॉर्ट्स बनाने के लिए छत के ऊपर आया हूँ, नाश्ता किया हूँ, खाना नहीं खाया हूँ, तो शॉर्ट्स एक दो निकाल लेता हूँ, फिर आप लोग से फिर आके बात करता हूँ। हाँ भाई, हो गया, धूप लग रहा है और छत के ऊपर अपनी शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग करते करते अब गर्मी निकल गया, पसीना निकल गया, तो अब नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके एडिटिंग वगैरह करूँगा। लाइट भी नहीं है, लाइट तो गाँव के सामने इसी जगह में तार टूटा हुआ था, तो तार जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 2 दिनों से वीडियो नहीं आया, तो उसको रिकवरी करने के लिए 200 स्टार्ट हो गया। बारिश हल्का फुल्का बारिश होने लगा, और ऊपर दिखे क्लाउड आपको इस टाइप से दिखे काफ़ी। 3:30 बजे और 3:30 बजे थोड़ा बाहर से घूम के टहल के आ गए, और अभी मेरे बेटे के साथ खेल रहे हैं और बैटरी भी चार्ज कर लिए। क्या हुआ? मोबाइल। हाँ तो ठीक है, 3:30 बजा है और बारिश हल्का फुल्का हुआ, अभी बादल है। और अभी बाहर से थोड़ा टहल के आया और बैटरी भी फुल चार्ज करा लिए, 98% है। और खाने में खाए कुछ नहीं है अभी, और खाएंगे घूमने के लिए, शाम को बाहर तरफ जाएंगे, निकलेंगे। अभी तो बूंदाबांदी नहीं हो रहा है, अभी बादल हल्का फुल्का है। और तुम कुछ बोलेगा? बोलो 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 बोलो। तो बाहर जब निकलेंगे तब आप लोग से मिलते हैं, अभी तो फिलहाल इसके साथ थोड़ा खेल रहे हैं। और अभी मेरा ट्राइपॉड जो था उसका एक लेग टूट गया, ट्राइपॉड जो था और वह टू पॉड हो गया, मतलब एक लेग टूट गया। उसको फेविक्विक से स्टिक करना चाहते थे लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उसमें जो था प्लास्टिक, वो प्लास्टिक फेविक्विक को, मतलब जो ग्लू लगा रहे थे वो ग्लू चिपक नहीं रहा था, इसी वजह से वो टूट गया। और एक ट्राइपॉड है वो, लेकिन बड़ा वाला, उसमें हॉरिजॉन्टली, हाँ हॉरिजॉन्टली आपको क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल, सीधा हिंदी में बोलें तो वो सीधा सीधा जो होता है 9x169, हाँ मतलब जो शॉर्ट वीडियो होते हैं उस टाइप से लंबा वाला वीडियो उसमें शूट होगा, उस टाइप वो एंगल बनाया हुआ है, उसमें ऐसा हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, इसी वजह से उसको नहीं यूज करते हैं। उसको रेयरली जब रील वगैरह शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट करने में उसको यूज किया जाता है, और इसको ब्लॉग में नहीं लेते हैं। वो ट्राइपॉड रहता है तो उसमें हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता, लेकिन ट्राइपॉड उसमें सेल्फी स्टिक का काम अब कर रहा है, कहीं पे एक जगह पे स्टिक नहीं रहता है, लगा के नहीं रख सकते। ये हम लोगों का गाँव का तालाब, छोटा तालाब जो यहाँ पे पहले पानी, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का पानी रहता था वहाँ पे, आजकल पूरा एकदम एक आदमी पूरा आसानी से डूब जाएगा, उतना पानी यहाँ पे जमा हो गया। 5 रुपये के खाने में, खाने का कुरकुरे लिए थे, तो उसके बेटे का खाने के कुरकुरे में ये
चीज़ उठाई है, व्हाट इज़ द थिंग, और ये क्या कौन सा चीज़ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्लो इन डार्क, मतलब डार्क प्लेस में ये ग्लो करेगा, तो देखेंगे रात को ये ग्लो होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है क्योंकि रेडियम वगैरह जैसे चीज़ें अगर इसमें इंक्लूड करके दिया हुआ है तो इसमें, हालांकि ये प्लास्टिक का है। और पीछे आप देखिए क्या पीछे से, और ईस्ट साइड से भाई बारिश आ गया कल, जैसे ऐसे ही हुआ था, जैसे 6:30 बजे का टाइम हुआ था, 6:30 बजे बारिश स्टार्ट हुआ, 6:30 बजे से डायरेक्ट 8-8:30 बजे बारिश छूट गया था, और अभी वैसे ही वेदर बनाया हुआ है, वैसे ही मौसम है, जैसे बारिश होगा जैसे लग रहा है, लेकिन हल्का फुल्का बूंदाबांदी अभी हो रहा है, स्टार्ट ऐसे धीरे धीरे करेगा, और उसी के साथ थंडर भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे बहुत डर लगता है भाई, वो चमकता जब है बिजली ना तब समझ में आता है। और तो हालांकि वैसा कुछ स्पेशल रिपोर्ट नहीं है अभी करेंटली, बस वही बारिश होने का संभावना है, चांसेस है, आशंका है। फाइनली मैं अभी जा रहा हूँ नदी, आप लोगों को दिखाऊंगा कि पानी कितना ज़्यादा आ गया, और इधर के खेतों में आप लोगों को दिखाऊं तो सारे खेतों में आप लोगों को पानी पानी देखने के लिए मिलेगा, उधर सारे खेत भर चुके हैं और रोपाई का काम भी स्टार्ट हो गया है एक दो जगह में, और ये तो मतलब ये इस साइड वाले खेत हो गए, और उधर जो ऊपर जो रास्ते में इधर से पतरातू जाता है होकर जाता है, तो उधर वाले खेतों में अभी एक कमर तक पानी बह रहा है, और कल जो कंटिन्यूसली बारिश हुआ था वजह वही है। और नदी का पानी आप लोगों को जाके दिखा रहा हूँ, अभी नदी से बहुत ही दूर हूँ, बहुत नहीं मतलब 5 मिनट का रास्ता है, तो जाके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि वहाँ कितना पानी आया हुआ है। और इस सारे खेतों में भी देखिए यहाँ पर मतलब दरारें आ गए थे, जो खेत की मिट्टी में दरारें आ गई थी, और अभी सारे में पानी भर चुका है। रोड का भी कंडीशन आप देख लीजिए, रोड मतलब रोड ऐसा कुछ रोड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और आप इसमें आप लग्जरी चाहोगे तो इस रोड में आप लोगों को मिल नहीं सकता, उसमें लिए उसके लिए आपको एक हाई क्वालिटी का कार का होना ज़रूरी है, मतलब आपको एक क्या बोलते हैं, हाँ एसी वाली कार चाहिए, और आप इसमें बाइक और साइकिल और ये इसमें आप अगर चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सारे में पत्थर निकल गए, और देखिए सारे जगहों से उखड़ गया है, इधर उधर पूरा रोड यहाँ से ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। पानी तो बहुत आ गया पहले से। तो ये देख लीजिए नदी अभी कितना भरा हुआ है, और यहाँ पे मतलब आप देखिए कि वहाँ से जब जहाँ तक बालू आप लोगों को दिख रहा है वहाँ तक मतलब पानी भरा हुआ है, और इधर जो सतिया है, इधर का पीछे का सतिया आप लोग जो देख रहे हैं, इधर वाला सतिया, इसमें एक भी जो पानी नहीं रहता था उसमें भी पानी आ गया, और नदी देखिए आप पूरा एकदम लबालब भर गया, और इससे भी ज़्यादा भर जाएगा। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जिस पत्थर में मैं खड़ा हूँ, जैसे ये वाले पत्थर जो हो गए, ये वो वहाँ पे जो पेड़ है वहाँ तक पानी आ जाता है, और उससे भी ऊपर तक पानी चल जाता है। तो अभी यहाँ पे बारिश अच्छे से हुआ नहीं, अच्छे से होगा तो यहाँ तक पानी आ जाएगा। और अभी का आज सुबह में यहाँ नहाने के लिए आए थे, तो नहाने के लिए जब यहाँ आए थे तो यहाँ कमर तक इतना तक पानी था, एक मतलब कमर तक ही पानी था, और इधर का सतिया में पार होने के आप लोग इधर डूब जाओगे, अगर यहाँ से पार होना चाहो तो यहाँ पे आपको मिट्टी कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ से उधर पार होने में इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे दोनों कनेक्शन के बीच में यहाँ पे जो गड्ढा होता था वो लगभग 10-12 फीट का गड्ढा है, यहाँ पानी 10-12 फीट ऊंचा चल जाता है। और कभी कभार जो यहाँ का पुल है, राढ़ू नदी का जो पुल है, वो पुल के मतलब पुल को ही टच कर लेता है पानी अगर ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो। तो फिलहाल मैं तो अभी जा रहा हूँ फिर घर, रिटर्न आप लोगों को नदी दिखाने के लिए स्पेशली आया था यहाँ जब पैदल चल के, और अभी जाऊँगा घर, तो फिलहाल घर जा रहे हैं, बाय। फाइनली मैं अभी एक भोज अटेंड करने जा रहा हूँ, और शाम के अभी 5-6 बजने वाले हैं, और कुछ इस टाइप का वेदर हो रखा, और मैंने मेरे पास 2 ऑप्शन थे रूट के, और एक था, एक जिसमें था कच्चा रास्ता और एक जिसमें था पक्का रास्ता, तो मैंने प्रीफर करा कच्चे वाले रास्ते को, क्योंकि इधर से शॉर्टकट पड़ा, और मेरे को मतलब जो एरिया था वो एकदम रोड से पिच रोड से हो गया है, बस थोड़े थोड़े जगहों में गड्ढे थे और पानी भरा हुआ था उन सारे जगहों में, तो उस वाले रास्ते को मैंने प्रीफर करा और आप लोगों को दिखाऊं। तो देखिए इस टाइप से रास्ते आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन ये वाला रास्ता नहीं है, जो मैं जाऊँगा जिस रास्ते से वो वहाँ से उधर से होकर जो रास्ता आ रहा है वो वाला रास्ता है, तो उधर से मैं जाऊंगा। और अभी वेदर आप लोगों को प्रॉपरली दिखा दे रहा हूँ, शाम का वेदर,
ये देख लो आप, इंजॉय करो। ये सन यहाँ से यहाँ पे है, लेकिन ये सारे जो यहाँ क्लाउड है ना, इससे पूरा सनसेट अच्छे से नहीं दिख रहा, विजिबल नहीं हो पा रहा। और यहाँ से आप देखो, ये वो हो गया, वो विलेज हो गया एक, और ये मेरा विलेज हो गया, ये दोनों है। और इधर सारे यहाँ से सारे खेतों में, जो गड्ढे वाले खेतों में, इधर सारे खेतों में पानी भरा हुआ है लबालब, और सारा कुछ भर गया है। तो फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे पॉज करते हैं, फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं जा रहा हूँ सोने, बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।